मैं हूँ जीतू। हेलो, गुड मॉर्निंग जीतू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। और आज वेदर है क्लाउडी। तो वेदर है क्लाउडी, शायद आज बारिश आ जाए, शायद। तो गाइस, आज जीतू सुबह सुबह उठ गई है। जीतू आज क्या हो गया? मैं 6 बजे उठ गई हूँ, 3 बजे सोई थी। मैं इसलिए उठी थी क्योंकि थोड़ा काम था 2 मिनट के लिए। क्या हुआ? मेरा पर्सनल काम था। अभी तो सुबह के कितने टाइम हुआ? सुबह के मुझे एकदम से लगा कि मेरे को बहुत सारे मैसेज आए हैं, मेरे को एकदम से आंख खुली और मैंने फोन चेक किया और आने लगा जीतू चाय बना लो। आप तो पहले ही उठ जाते हो। सुबह सुबह 4 बजे फोन कर दिया जीतू को। नहीं, वो था वो जो कॉल ही होती बेकार, मतलब जो कंपनीज वैसे करती है आपको धमकाने के लिए करते हैं कि आप इस नंबर पे फोन। कल तो जीतू को पता नहीं एक फोन आएगा, जब फ्रॉड फोन आएगा। हाँ, आज सेम था। तो आपको कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, 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 बॉर्डर का कुछ ऐसे। वैसे मैं थोड़ी देर के लिए अजीब सा फील हुआ। यहाँ फेक फोन कॉल बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। आपके लिए क्वारंटाइन हुआ, मैं चल रहा तू। और ये हमें नहीं आती, सबको आते हैं एक्चुअली। मॉर्निंग का व्यू कितना रिफ्रेशिंग सा लग रहा है जीतू। और सबसे बड़ी बात, मैंने मुंह नहीं धोया है अभी तक। कांग्रेचुलेशन, धोने की जरूरत भी नहीं है। चाय दे दो जल्दी जल्दी। चाय डालूंगी इनमें, छोटे छोटे कपों में, बड़े कप ना हमारे खत्म हो गए पता। और आप मेरे को बताना कि आज मेरे में क्या चेंजेस है। तो चल रहे मेरे साथ आज? कहाँ पर? आपको ही पता कहाँ जाना। कहाँ पर जाना? छोटी सी खरीदारी, गेस करो क्या। आई डोंट नो। मार्केट में आपको, तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे राखी का क्या चहल पहल है। तो भी दिखाऊंगा कि जो लाइक मेरे लिए सरप्राइज आया इंडिया से, वो भी मैं आपको वीडियो के थोड़ा सा लास्ट में दिखाऊंगा आपको। इस ब्लॉग के आप एंड तक बने रहना, इस ब्लॉग में खास होने वाला है। और बाहर बारिश हो रही है अभी, तो फिलहाल बाहर थोड़ी शॉपिंग करने का प्लान है, थोड़ा लोकल मार्केट में। बाकी क्या करना अभी अभी कुछ भी नहीं होता। अभी कुछ प्लान नहीं है, आज एक ही प्लान है कि अभी हम जाके जो समोसे खरीदेंगे और बाहर बारिश में बैठ के चाय के साथ समोसे खाएंगे। ये मैंने बोला जीतू। कल मैंने मोमो बोला तो बोलते समोसे और मोमोज में फर्क होता है। रात को मोमोज खाके अच्छे नहीं बड़े, साथ में खुद बोलते नूडल्स ऑर्डर कर दो, वो भी थोड़े से खाए अच्छे नहीं। आज पता नहीं क्या बात, आज अच्छे नहीं। मतलब इनको भूख नहीं थी लेकिन मेरे को तो बड़ी भूख लगी। तो गाइस, इस बार जो ब्लॉग है ये लेट हो रहा है काफी, एक हफ्ते से भी ऊपर टाइम हो गया। इसका रीजन ये था कि मेरे को जो सेकंड डोज है वो भी लग गई है और उसका मॉडर्ना का डोज लगा है। पहले भी मुझे मॉडर्ना का लगा था और इस बार भी सेकंड डोज मॉडर्ना का लगा था। 2 मंथ का वेट टाइम था, वेटिंग टाइम था, पर उन्होंने बोला कि अब वेटिंग टाइम कम कर दिया है। 1.5-2 दिन तक जो है फीवर रहा, तो फीवर रहा और बॉडी पेन रही, बट आई थिंक 3rd दिन जो है सब कुछ नॉर्मल हो गया पहले के जैसे। वैक्सीन इज प्रीटी सेफ गाइस, अगर आपको लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं लगवाई है प्लीज जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, क्योंकि जो इसकी जो अगली वेव है वो आने वाली है वो जल्द। तो आप सब प्लीज वैक्सीन लगवाओ जाके। बर्तन धोने के लिए तैयार हो जा, जल्दी लंच बना रहा हूँ। देखो जिसने मैसेज डालना उसने कहा। तो गाइस, मैं बना रहा हूँ आलू चिक पीस करी और प्लेन राइस। कद्दू भाई, कैसा लग रहा है आपको 2 महीने बाद खाना बनाने के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कितने काम चोर हो गए हो ना, बताओगे सबको? बिल्कुल काम नहीं करते हो आप, सबको पता है मैं काम चोर हूँ। ये लो खुद का बनाया खाना खाओ पहली बार। ये रायता मैंने बनाया है। It's good, it's good. It's good. He got me high above, like the sun by the moon. He's a star, baby. I'm lighting up like a fool. It's true, it's true. He's making me blow my mind, and I can't stand the thought of being without us. थोड़ी ग्रॉसरी ली है, सब्जी मिर्चें टमाटो पता नहीं क्या क्या लिया है कुछ फ्रूट्स लिए हैं, जूस लिए है और बाकी कल लेंगे। अभी के लिए ले लिए क्योंकि अंधेरा हो गया। तो चाय पीने का मतलब जब शाम की चाय नहीं पी वो पीनी है अभी, जब तक वो नहीं पीते अच्छा नहीं लगता।
अभी है शाम का टाइम और अभी शाम के हो रहे हैं 7:40 और अभी इंडिया में जो है रक्षाबंधन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर जो है कल होगा। अभी यहाँ पे एक दिन पीछे शाम है और आज है हमारी नीस का बर्थडे और मोस्टली आपने उसको जो व्लॉग्स में देखा होगा आज उसका बर्थडे है तो आज जो है उसके लिए हम छोटा सा केक काटेंगे और हमारी जो फैमिली है वो आज आ रही है तो साथ में हम डिनर करेंगे। अच्छा ये नई वाली जो ऑर्डर की थी तो गाइस अभी चल रही है बर्थडे पार्टी और जो है डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद जो केक काटेंगे। पहले डिनर होगा, डिनर के बाद केक काटेंगे। जीतू हो रही है रेडी क्योंकि जीतू कुकिंग करी थी, वैसे टाइम नहीं मिलता है तो जब भी कभी बर्थडे होता है या कभी कोई फेस्टिवल आता है तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। देखते हैं जीतू क्या बना रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। हेलो जीतू, कैसे हो? बढ़िया। हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे नहीं है। इसका बर्थडे है। आई डोंट नो। इन हम दोनों की नीस का। हां। चालू क्या बना रही हो आज? मैंने बर्थडे दे रहा है आज। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या ये क्या है? ये मटर पनीर बनेगा। मटर पनीर में पनीर तो दिख रहा है। नीर भी डाल लाइक ना, ये देखिए। If I could stop the time, don't you know that I would। बहुत सिंपल सा खाना बना रहे हैं, ज्यादा क्योंकि पहले स्नैक्स हो गए ना यहाँ तो हमने स्नैक्स वगैरह पहले ले लिए थे। मैं गोरा दिख लग रहा हूँ? ऐसा नहीं है तू, ये तो मेरी मम्मी से पूछना चाहिए, मैं बचपन से ही गोरा हूँ। किसकी? एक लाख बहन है ना आपकी, कितनी पहुंची है? बाइटी में बहुत सारी बहन है एक्चुअली मेरी, ना सारे भाई भाई बहुत ही है तो कितनी पहुंची राखियां हैं मिल गई है, बस उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ होता है। अब ये पील करके बना रही हूं जो कद्दू होता वो नहीं पील करके पील में पील कद्दू को तो ऐसे ही बिना नमक के सब जला दिया इसने। ये क्या है, तड़का जल गया? मैं भी जल गया सब कुछ, रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनानी थी तो पतला पतला लग रहा है सब जगह। अभी अभी डिनर फिनिश किया और सारे और खाना बहुत ही अच्छा बनाया था जीतू ने। एक ही समय जीतू आई थिंक अभी सारे गए हैं, कितने बजे? 12:30। ये देखो ये वाली स्कर्ट थी, ये वो है क्या होता है फ्रेम है, ये स्कर्ट इसकी लगाई है, ये मेरे पास बेडशीट ऑलरेडी थी, देखा मैंने यहाँ बिछाई नीचे, मैंने बोला था ये इसको यहाँ भी बिछा सकते हैं ऐसे, लेकिन मैंने यहाँ बिछा दी क्योंकि इसके पास मेरे पास बेडशीट ये ऑलरेडी है, ये इसलिए है कि जैसे कोई आता है थोड़ी रेस्ट करने के लिए। और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30 बज रहे हैं, आज यहाँ पे रक्षाबंधन। जीतू अभी सोई है, जीतू उठ जाओ। तो गाइस अभी आया हूँ मैं बाहर और आज मौसम ठंडा है, काफी हवा चल रही है, विंडी है। अभी मैं थोड़ा बैंक तक जा रहा हूँ, थोड़ा सी कैश निकलवाने थे, कैश हम बहुत यूज नहीं करते, कभी साल में एक दो बार जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। अभी राखी बांधी नहीं है तो अभी आके बांधता हूँ, लड़की को बोला है 1 बजे के लिए आने के लिए, जिसका बर्थडे था रात को, वो आएगी और वो बांध देगी और उसके बाद 5 बजे जीतू जाएगी, जीतू ने अपॉइंटमेंट ली है, जो जीतू का ब्रदर बना हुआ है एक, उसको राखी बांधने जाएगी जीतू। आई होप आपको ये पसंद आएगा। हमारा घर मार्केट के बीच में है तो सारा कुछ जो है घर के आसपास नज़दीक अवेलेबल है, लाइक आई मीन 500 मीटर की डिस्टेंस में सारा कुछ मिल जाता है, सारा कुछ लाइक वॉकिंग डिस्टेंस में है, इसीलिए जो है वैंकूवर में रहना बहुत कॉस्टली है बट अच्छा है लाइफस्टाइल।
तो गाइज अभी जा रहा हूँ मैं घर के अंदर, चलिए आपसे मिलता हूँ। तो गाइज अभी अभी घर आ गया हूँ, ये है जीतू। हेलो हेलो जीतू, आपको पता है ये बलून मेरे बहुत पसंद है, मुझे लगा ये डॉट है, लेकिन डॉट डॉट नहीं, इसमें पेपर्स हैं भरे हुए। हाँ, इसमें पिक्चर पे पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे थे, ये फटेंगे ना पूरा। इनको ना घर में बैग में डाल के ना फिर इनको जो है फोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गंद चलेगा। थैंक यू सो मच पूजू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर ऑल दिस, इट्स लॉट ऑफ फॉर मी, बिकॉज जब हम प्रदेश में होते हैं तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच आपके जो सास ससुर जी हैं, ठीक है, आंटी अंकल जी, उनको भी थैंक यू, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। और थैंक यू जीजू, थैंक्स सारी फैमिली को। या बाकी इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे जो वाईटी फैमिली है उनके बहुत सारे मैसेज आए थे, तो उन सबका थैंक यू सो मच। हमारी जो जितनी भी वाईटी फैमिली है, वाईटी फैमिली में बहुत सारी जो सिस हैं, लेडीज काफ़ी जो है भाई मानती है, तो उन सबका भी दिल से थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो ये आ गई हमारी बर्थडे गर्ल, और इसका कल बर्थडे था, और साथ में ये भी मुझे जो है हर साल जो है रखड़ी बनाती है जब से ये कनाडा आई है। अब सालों कितने साल हो गए कनाडा आए, 5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल मेरे सालों को भी, सालों ही सारी रखड़ियाँ पहना दी थी मुझे। अपनी ननद की रगड़ी आई है वो पहना दे, लेफ्ट में जहाँ मर्जी पहन लो, लड़कियों पंजाब में ना रिवाज नहीं है जैसे कि भाभी को भी राखी बांधते हैं। अच्छा, पंजाब में क्या करते हैं, बैंगल्स लेके आते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो लाने पड़ता, नहीं तो अपना भाभी तो मुंह फुला देगी। बड़ा सूट सोना पाया जीतू थे वह। हाँ, दिखाई है सूट, दिखाई कड़ा पाया, हे भगवान, ये तो लोअर है। आई कितने पतली, दोनों भेना भेना लग रही है। इसमें नहाता है और ये उसका हाउस है, उसमें रहता है। इस वक्त वो पानी की जद्दोजहद में है, पानी पी रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है, और दांत भी घिसा रहा होना पक्का।
और इसकी एज कितनी है अरमन? 5-6 months. और क्वारंटाइन जी भी रखे हैं? ओह माय गॉड, ये क्वारंटाइन देखो जी कोरोना से भी बचता है. सो इसको वैक्सीन लगा? लगना वैक्सीन? 3 days. 3 days क्वारंटाइन में रख के आया. कैसा है आपका भाई? बहुत अच्छा है, हरमन है उसका नाम. और मैं जब से यहाँ आई हूँ ना कनाडा में, हर साल उसको राखी बांधती हूँ. जब मैं इसको राखी बांधती हूँ, ये पूरा साल राखी को संभाल के रखता है. हाँ, ये शर्त है कि राखी टूटता अगर टूटे ना अपने आप ना, उसको सेव करता है. हर वक्त शावर लेने के बाद बताता है केयर गिवर्स को कि इसको ये खराब नहीं होना चाहिए, टूटना चाहिए. पूरा साल संभाल के रखता है. और जब नेक्स्ट ईयर राखी आती है, वो धागा मैं खुद तोड़ती हूँ या खोलती हूँ किसी तरह से, और नहीं राखी बांध के आती हूँ. Actually, he is very brave guy. बहुत brave है. He is struggling with lot of things within his life. जो कि मैं अभी share नहीं करना चाहती, मैं बाद में कभी करूँगी. बट इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी चीजें, मतलब उसमें लाइक वो सिंगर, वो सिंगर है, सिंगर है, राइटर है, पोएट है, पोएट्री लिखता है वो. और ये हमारे सारे फैमिली का ही हिस्सा है. मेरा और जीतू का यही रहा कि हमारी अपनी फैमिली तो चलो है ही है साथ में, बट जो हमारे साथ जुड़ जाता है और जो हमारे दिल को अच्छा लगता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है. हमारी जो वाइटी फैमिली है सारी, वो भी वैसे ही है. तो आप सब भी हमारे दिल में ही रहते हो, और जो आप हमारी वीडियोस को इतना प्यार करते हो. तो गाइज, ये था कुछ लाइक रक्षाबंधन का ब्लॉग और मेरी नीस की बर्थडे का ब्लॉग. तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पता लगती रहे. थैंक यू.